हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में आ गई है पीजीटी टीचर्स के पदों पर वैकेंसियां, जिसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं आज की ही डेट से। अब यहां पर ऑनलाइन आवेदन 8 तारीख से आपके शुरू हो गए हैं। फॉर्म किस तरीके से भरना है, कौन एलिजिबल है, कैसे अप्लाई करना है, सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं छोटा सा इसका नोटिस खोल करके, एग्जामिनेशन का जो इसका नोटिफिकेशन है खोल करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए, पीजीटी टीचर्स की रेगुलर वैकेंसीज का यहाँ पर नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें 100 रुपये की फ़ीस लग रही है। 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगनी है। झारखंड राज्य के जो SC ST पीपल है उनको सिर्फ 50 रुपये की फ़ीस लगेगी, अदर देन बाकी लोगों को 100 रुपये की फ़ीस यहाँ पर लगनी है। आरक्षण पद भी दिए रखे हैं इसमें, कुछ प्रकार के आरक्षण पद हैं जिस और कुछ प्रकार के यहाँ पर अनरिजर्व पद हैं। तो ये रिजर्व पोस्ट और नॉन रिजर्व पोस्ट की जानकारी आप इस टेबल से जा कर के ले सकते हैं। उसके बाद में एजुकेशन क्राइटेरिया के बारे में मैं बता देता हूँ कि एजुकेशन क्राइटेरिया आपका क्या होना चाहिए। देखिए, इसी में पेज नंबर 9 पे आने पर पूरा एजुकेशनल क्राइटेरिया आपको मिल जाएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, जिसमें जीव विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल, हिंदी, अर्थशास्त्र, इतिहास, संस्कृत, भौतिक शास्त्र, गणित, वाणिज्य और अंग्रेजी, इतने प्रकार के विषयों के लिए पीजीटी टीचर्स की यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। अब जो इसकी एजुकेशनल क्राइटेरिया है वो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से राज्य के सरकारी विद्यालयों में +2 स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विषयों में से नियुक्ति के विषय में कम से कम 50% अंकों सहित स्नातकोत्तर तथा राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षक परीक्षा से BEd होना चाहिए। यानी कि BEd है प्लस स्नातकोत्तर है तो आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। आवेदन कैसे करना है, इसी वेबसाइट पर आ जाना है। ये वेबसाइट का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स देखने को मिल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन के टैब पर क्लिक करेंगे, फॉर्म फिलअप का पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहीं से आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को हम फिलअप करते हुए चलते हैं। अब किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उसका आप पोस्ट का नाम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में इंडियन सिटीजन हैं, उसके बाद में अपना नाम, जो भी नाम है आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आप यहाँ से मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्ट कर जाएंगे। उसके बाद में फादर्स नेम आपको यहाँ पर भर लेना है, मैं भर देता हूँ। इस तरीके से मदर्स नेम आपको यहाँ पर भर लेना है। जेंडर मेल फीमेल सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में झारखंड के रेजिडेंट हैं या नहीं, अगर हैं तो फिर कहाँ लोकल रेजिडेंट हैं, कहाँ के हैं लोकल रेजिडेंट, और अगर नहीं है तो सिंपली नो के टैब पर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप रेजिडेंट कैंडिडेट नहीं हैं तो आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी में ही ट्रीट करे जाएंगे, रिजर्व कैटेगरी में नहीं ट्रीट करे जाएंगे। मैट्रिकुलेशन इंटरमीडिएट आपने किया हुआ है झारखंड से, यस या नो के टैब पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बोल रहा है मैट्रिकुलेशन एंड इंटरमीडिएट फ्रॉम अफिलिएटेड स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल एरिया ऑफ झारखंड। अगर आपने यहाँ से नहीं किया हुआ है तो बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल एज पर द ब्रोशर, ओके के टैब पर क्लिक करना है। तो एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि आपकी जो माध्यमिक और बेसिक एजुकेशन्स हैं वो आपका यहाँ पर झारखंड से ही होनी चाहिए। उसके बाद में जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे, रिजर्वेशन कैटेगरी अनरिजर्व हैं या नहीं है, जो भी कैटेगरी हैं, वैकेंसी टाइप रेगुलर वैकेंसी में आप भर गए हैं, भर रहे हैं। आधार कार्ड का अपना नंबर डाल सकते हैं, कोई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, वो होते हैं जो आपके फेस पर सामने विजिबल हों, तो यहाँ पर उसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे मोल ऑन चीक इस तरीके से लिख दिया मैंने। उसके बाद में विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आप भर सकते हैं, खाली भी छोड़ सकते हैं। लोकल लैंग्वेज आपको यहाँ पर आती है तो यस के टैब पर क्लिक करिए। झारखंड में वैसे भी आप हिंदी चलती है तो आप इस तरीके का यस ही लिख सकते हैं। BEd स्टेटस अपीयरिंग कंप्लीटेड, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में 3 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया है कि नहीं, तो इसको यस पे ही क्लिक करना है, नो पे क्लिक नहीं करना है। उसके बाद में देखिए, जैसे ही आप नो पे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए नो पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म तो आपको फिलअप करने देगा बट आपको वरीयता नहीं दी जाएगी, तो आपको यस पे ही करना है। उसके बाद नेम ऑफ स्कूल क्या है आपका, तो जो भी आपका है आप अपना इस तरीके से भर सकते हैं। एड्रेस ऑफ द स्कूल जो भी है आपका यहाँ पर इस तरीके से भर सकते हैं आप, जो भी भरना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब की थी वो आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है या नहीं ये आपको फिलअप कर देना है। पेनल्टी कभी मिली तो नहीं है तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आपको भर देना है। और उसके बाद में मैं मेंशन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, आपके पास एक्सपीरियंस कितना है तो यहाँ पर इस तरीके से आप एक्सपीरियंस भर देंगे। इशूइंग अथॉरिटी क्या है, तो इशूइंग अथॉरिटी क्या है तो आप यहाँ पर जो भी है आपका इशूइंग अथॉरिटी वो आपके आपके उस सर्टिफिकेट में मिल जाएगा। और उसके बाद में डेट आपको सर्टिफिकेट की यहाँ पर डाल देनी है।
इतनी डिटेल डालने के बाद में आपको परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस भरना है। तो परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका एड्रेस है वो आप इस तरीके से डाल दीजिए, उसके बाद में यहाँ पर दूसरा एड्रेस, तीसरा एड्रेस इस तरीके से भर सकते हैं। अब विलेज आपका क्या है, तो विलेज आप जो भी है आपका वो उस तरीके से आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर भर दे रहा हूँ। आपका जो भी है आप यहाँ पर भर दीजिए, तो इस तरीके से आपका जो भी है आप भर सकते हैं, और उसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पिन कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है इस तरीके से, यहाँ पर पिन कोड में डाल दे रहा हूँ। प्रेजेंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इस टैब पर क्लिक करेंगे, यही एड्रेस सामने आपका कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब आपको मोबाइल नंबर भरना है, कन्फर्म कर देना है मोबाइल नंबर। उसके बाद ईमेल आईडी भरना है, कन्फर्म कर देना है ईमेल आईडी। मैं दोनों ही भर करके यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इतनी डिटेल भरने के बाद में आपको पूछेगा अंडर रेगुलेशन 2007 या 14 में आते हैं पैरा नंबर 6 का के अनुसार। देखिए पैरा नंबर 6 का यहाँ पर यह है, पैरा नंबर 6 ये है, का है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए उच्च माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट स्कूलों या कॉलेजों में शिक्षा अध्यापक तथा शारीरिक शिक्षा के विभाग में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण। तो अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। देखिए उसके बाद यस करने के बाद में 2007 या 14 ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर 10th के, 12th के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, बीएड के मार्क्स आपके डालने हैं। किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से किया है मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जैसे 10th का है तो आपने जैसे इस तरीके से आप लिख सकते हैं। उसके बाद में किस बोर्ड से किया है, नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, यहाँ पर स्कूल है तो ये आप यहाँ पर इस तरीके से किस स्कूल से किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अब किस बोर्ड से किया है तो यहाँ पर मैं बोर्ड डाल दे रहा हूँ। ईयर ऑफ पासिंग आपका क्या था, तो वहाँ आपको इस तरीके से ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या था वो आपको डाल देना है। तो इस तरीके से इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड सभी का आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। ये डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट के टैब पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करते ही आपका फॉर्म पूरा भर गया है। पर्सनल एंड एजुकेशनल डिटेल का कन्फर्मेशन आ गया। इस सारी चीज़ों को आप चेक कर लीजिए अच्छे से। सारी चीज़ें अगर सही हैं तो आप यहाँ पर इसको यहाँ पर कैप्चा भर दीजिए। मैंने कुछ यहाँ पर डमी डेटा डाला हुआ है, आपको अपना सही डेटा डालना है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए, आपको बताने के लिए यहाँ पर ये डेटा इस तरीके से डाल रहा हूँ। आप यहाँ पर डमी डेटा नहीं डालेंगे, आप यहाँ पर सही डेटा डालेंगे। उसके बाद में देखिए कैप्चा मैंने यहाँ पर भर लिया है, कैप्चा बिल्कुल सही होना चाहिए। और उसके बाद में सबमिट के टैब पर क्लिक कर देना है। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा हमारे सामने आ गया है, कंप्लीटेड प्राइमरी रजिस्ट्रेशन पीजीटी केमिस्ट्री रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर को हम यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर प्रोसीड के टैब पे हम क्लिक कर देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आ चुका है। जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हमको आ जाएगा एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी लगी है। अब पेमेंट के टैब पर जाएंगे और पेमेंट हम कर देंगे। देखिए एप्लीकेशन नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और लॉग आउट, तीन ऑप्शन है। एप्लीकेशन फीस क्लिक पे नाउ बटन पे हम क्लिक करेंगे तो पेमेंट का लिंक देखिए भी एक्टिवेट हुआ है। पेमेंट का लिंक कुछ समय बाद एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से आपको इसी पेज पर जा करके अप्लाई या कैंडिडेट लॉगिन, कैंडिडेट लॉगिन डेट है पर जाकर आपके लॉगिन कर लेना है। आपको अपनी डिटेल डाल करके और उसके बाद में पेमेंट कर देना है। ये था पूरा डिटेल, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।